आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, होनहार विद्वान के हो सीखने पर। अगर जो होनहार होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देने लगती है। आज मैं ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंजाबी गायक लेखक सिद्धू मूसेवाला के विषय में चर्चा करूंगा। सिद्धू मूसेवाला का जन्म पंजाब के मानसा जिले के मूसा नामक गांव में सन 11 जून 1993 को हुआ था। सिद्धू मूसेवाला इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मौत अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाने से 29 मई 2022 को हो गई। लेकिन इनकी कमी भारत ही नहीं विदेशों में भी महसूस की जाएंगी। सिद्धू मूसेवाला के पिता का नाम भोला सिंह सिद्धू तथा माता का नाम चरण कौर सिंह सिद्धू है तथा वर्तमान में वो ग्राम प्रधान है। इनके छोटे भाई का नाम गुरप्रीत है। इनकी शुरुआती शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुई। इसके बाद लुधियाना के गुरु नानक देव जी इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री ली। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद कनाडा चले गए तथा निंजा द्वारा गाय गीत लाइसेंस के गीत लिखने के साथ ही जी वेगन नामक ईगल गीत से अपने करियर की शुरुआत कनाडा से ही किए। लगभग 5 के करियर में 7 एकल, 3 जारी किए। राजकुमारी और रैपर वोहे मियाँ जैसे संगीतकारों के साथ काम किए। सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने सन 2018 में अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया, जो बिल होल्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर 66वें स्थान पर था। सन 2019 में AK-47 को UK एकल चार्ट पर स्थान दिया गया था। उनका गाना बम्बिहा बोले ग्लोबल यूट्यूब म्यूजिक चार्ट पर टॉप 5 में शामिल था। 2021 ईस्वी में उन्होंने मुस्टेप को रिलीज किया, जिनसे विश्व स्तर पर नाम कमाया। सिद्धू मूसेवाला अपनी विवादास्पद गीतात्मक शैली के लिए जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की थी। सिद्धू मूसेवाला के विषय में कुछ रोचक तथ्य हैं। सिद्धू मूसेवाला का वास्तविक नाम सुखदीप सिंह सिद्धू था, लेकिन क्या आप जानते हैं इनका नाम सिद्धू मूसेवाला इनके गांव के नाम मूसा पर ही पड़ा। सिद्धू मूसेवाला लाखों से लेकर करोड़ों की गाड़ियों के शौकीन थे। सिद्धू मूसेवाला मात्र 6 की उम्र में गीत लिखना शुरू कर दिए थे। सिद्धू मूसेवाला का फैंस आज मिलियन में है। सिद्धू मूसेवाला ने कुछ प्रसिद्ध गीतकार से संपर्क किए तो उन्होंने गीत देने से इनकार कर दिए। इस घटना ने सिद्धू मूसेवाला को इतना आहत किया कि स्वयं महेंद्र के दम पर अच्छे गीत लिखे। ऐसे थे सुखदीप सिंह सिद्धू अर्थात सिद्धू मूसेवाला, लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में बड़े मुकाम हासिल करने के चलते उनके विरोधी उनसे जलने लगे और मानसा जिले में उनके कार पर गोलियों का बौछार कर दिए, जिसके कारण सिद्धू मूसेवाला को भी कई गोलियां उनके छाती में लगी और इस दुनिया को अलविदा कह गए। हमारे बीच मूसेवाला नहीं है, लेकिन इनकी उपलब्धियां हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। सूत्रों के मुताबिक उनके हत्यारों का कनेक्शन भारत से कनाडा तक है, यहाँ तक कि नेपाल में भी है। इनकी हत्या की जिम्मेदारी कई अपराधियों ने ली है, जिनमें बिश्नोई गैंग शामिल है। असली दोषी कौन है जल्द ही पता चल जाएगा तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें तथा मेरे चैनल आर्यन राज फैक्ट्स को सब्सक्राइब तथा शेयर करें।